हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेटफेट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है वो जो है बिहार शिक्षक अधिनियम 2020 यानी कि जो नई नियमावली 2020 है उसके बारे में है। और हम लोग यहां पे जो है जानेंगे कि जो है नियुक्ति पत्र संबंधित जो है नियम क्या है। जी हाँ, इस वीडियो में जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि नियुक्ति पत्र जो है किससे मिलता है, नियुक्ति पत्र के बाद जो कितने दिनों में योगदान देना होगा, ठीक है, नियुक्ति पत्र किस तरीके का आपका होगा, इसके साथ ही नियुक्ति पत्र में जो प्रमाण पत्र की जांचों संबंधी जो है क्या बात लिखी गई है और योगदान किस व्यक्ति के पास करना है यानी किस अधिकारी के पास करना है या किस सदस्य के पास करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब बटन पर क्लिक, बेल आइकन पर प्रेस और ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पर जो है स्क्रीन में पीडीएफ फॉर्मेट में जो है बिहार शिक्षक अधिनियम 2020 जो कि संशोधित है वो यहाँ पर आपके सामने जो है दिखाया जा रहा है, जिसमें आज हम जो है बता रहे हैं कि नियुक्ति पत्र का जो नियम है, ठीक है, नियुक्ति पत्र जो है कैसे बंटता है, कैसे मिलता है, उसके बारे में क्या नियम है, मतलब जो भी नियम है वो आपको यहाँ पर जो है बताया जा रहा है। जो भी लोग जो है हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सारे नियम कानून सारी चीजें आपको यहाँ बताई जाएंगी। काउंसलिंग के समय भी आपको जो है काफी हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से, बहुत सारी चीजें आपको उसमें बताई जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको जो है ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो नियुक्ति पत्र के बारे में यहां पे कहा जा रहा है कि नियुक्ति पत्र जो है कैसे दिया जाता है, क्या होता है। यहां पे कह रहे हैं कि जो पहला पॉइंट है, ठीक है, उसमें लिखा है कि नियोजन इकाई को आवंटित पदों की संख्या के अनुरूप चयनित अभ्यर्थी को समिति के सदस्य सचिव, ठीक है, सदस्य जो सचिव होता है, के हस्ताक्षर से निबंधित डाक यानी कि रजिस्टर्ड डाक के द्वारा नियुक्ति पत्र चयनित अभ्यर्थी के फोटोग्राफ युक्त भेजा जाएगा। ये नया नियम लागू हुआ है, सबको पता होगा कि अब जो जो है नियुक्ति पत्र मिलेंगे उसमें फोटोग्राफ भी लगा होगा, पहले फोटोग्राफ नहीं लगा होता था, इससे जो है भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती थी। तो संशोधन करके 2020 में जो है अब आपको फोटोग्राफ युक्त जो है नियुक्ति पत्र जो है दिया जाएगा। और नियुक्ति पत्र जब आपको मिल जाता है तो इसके लिए आपको जो है योगदान है तो 30 दिनों का समय दिया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि 30 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, इसको जो है कम करना चाहिए बिहार सरकार को। तो योगदान है तो 30 दिनों का जो है समय दिया जाएगा, जिसका उल्लेख नियुक्ति पत्र में होता है कि किस डेट से जो है आपको जो है दिया जा रहा है, यानी कि नियुक्ति पत्र जिस डेट में जारी होता है उस डेट से लेकर के जो है 30 दिन, ठीक है। तो विद्यालय के प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक द्वारा नियुक्ति पत्र की संपुष्टि नियोजन इकाई से कराने के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों का योगदान स्वीकृत किया जाएगा। तो ये विद्यालय के जो प्रधान शिक्षक होते हैं या प्रधान अध्यापक द्वारा नियुक्ति पत्र की आपकी जो है संपुष्टि कराई जाती है और उसके बाद आपका योगदान जो है स्वीकार किया जाता है जहां भी आपकी जो है जिस स्कूल में आपको जो है नियोजित किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक इंटरव्यू दिया था, ठीक है, एक हमारे शिक्षक महोदय थे उनका जो है हुआ था, तो उनसे पूरा प्रोसेस हमने जो है जाना था। तो कभी भी जो है नियुक्ति पत्र मिल जाए तो आपको सीधे जो है इनके प्रधान अध्यापक के पास नहीं जाना चाहिए, सबसे पहले आपको पास जो है अपने ब्लॉक अधिकारी के पास जाना चाहिए, वीडियो के पास सबसे जाना चाहिए, ठीक है, जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं या वीडियो होते हैं उनके पास सबसे पहले आपको जो है पहुंचना चाहिए, वहां से जो है स्वीकृति लेने के बाद तब आपको जो है स्कूल जाना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और जो है किसी भी नियोजन समिति के सदस्य के पास आप मत जाइएगा, ठीक है, उस स्कूल में या तो आप सीधे जो है जाइए या फिर जो है आप जो है ब्लॉक ऑफिस जाइए, ठीक है। अगर आप नियोजन समिति के पास जाएंगे तो फिर आपसे पैसे से की डिमांड हो सकती है और आपको बरगलाया जा सकता है या बेवकूफ भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहला नियम आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा नियम में कह रहा है कि 30 दिनों के बाद रिक्त रह गए पदों पर पुनः रिक्ति की संख्या के अनुसार चयन सूची के आधार पर नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा, यानी कि अगर 30 दिन तक वो अभ्यर्थी नहीं आता है तो उन पदों पर क्या करते हैं रिक्ति के अनुसार जो है फिर से एक नई चयन सूची बनाई जाती है और नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाता है, ठीक है। और पुनः 30 दिनों के बाद जो है के पश्चात जो है रिक्ति रहने पर रिक्ति की संख्या के अनुसार चयन सूची के आधार पर नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा और इस प्रकार कुल 3 संव्यवहार के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया सामान्यतः समाप्त मानी जाएगी, ठीक है। इसको अभी हम समझाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। इस प्रकार कुल 3 संव्यवहार के बाद जो है नियुक्ति की प्रक्रिया सामान्यतः समाप्त मानी जाएगी। देखिए ये जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया इसमें जो बताई गई है, ये जो नियम बताया गया, कैंप काउंसलिंग मोड नहीं है, ठीक है, ये कैंप काउंसलिंग नहीं है, ये एक सामान्य जो प्रिंसिपल बेस्ड जो काउंसलिंग होती है वो होती है। प्रिंसिपल बेस्ड काउंसलिंग में जो है क्या होता है आपको जो है अपने अगले वीडियो में बताएंगे और उससे जो है तुलना करके बताएंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल बेस्ड जो काउंसलिंग होती है वो बहुत अलग होती है, तो उसके लिए ये नियम नहीं है, ये नियम जो है कैंप काउंसलिंग के लिए नहीं है, ये प्रिंसिपल बेस्ड काउंसलिंग के लिए है, तो उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो यहां पे आगे क्या लिखा देख लेते हैं। परंतु प्रशासी विभाग से अनुमति प्राप्त कर उक्त संव्यवहार को संबंधित नियोजन इकाई द्वारा विस्तारित जो है किया जा सकता है। और तीसरा जो पॉइंट दे रहे हैं वो दे रहे हैं योगदान के समय संबंधित अभ्यर्थियों के असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दिया गया स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं संबंधित जिला के सक्षम पुलिस पदाधिकारी के स्तर से निर्गत चरित्र
पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा, यानी कि यहाँ पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है जो कि थाने से बना होता है, और उसके साथ ही आपको जो है अपना जो है चिकित्सा प्रमाण पत्र भी देना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो है कमेंट किया था कि ये सब चीजें नहीं लगेंगी, ये है वो है। देखिए यहाँ पे नियमावली 2020 में दिया हुआ है, हमारे चैनल पे जो बात करते हैं फैक्ट के साथ कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट दिया है कि नियुक्ति एवं योग्यता से संबंधित सभी अभिलेख कागजातों की छाया प्रति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कर प्रखंड कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा और प्रत्येक ग्राम पंचायत के अभिलेखों के लिए अलग अलग फोल्डर संधारित किया जाएगा, ठीक है। तो वहां पर जो है तीन, कम से कम तीन या चार फोल्डर फाइल आप मान के चलिए कि बनती है, ठीक है। वैसे तो एक प्रखंड में रहती है, एक जो है जहाँ पे आप जाते हैं नियोजन समिति के पास एक रहती है, और एक और बनाते हैं, तीन फाइल के आसपास लगभग लगती है। वैसे दो मांगी जाती है लेकिन आप तीन बना के तैयार रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है कि नियुक्ति की प्रक्रिया को अभ्यर्थियों के अनुकूल बनाने हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा वेब पोर्टल बनवाकर नियोजन इकाई की स्वायत्तता बरकरार रखते हुए उक्त नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन कर सकेगा। तो यहाँ पे ये जो सारी चीज जो प्रोसेस दी है नियुक्ति की प्रक्रिया, ये मैनुअली दी थी और प्रिंसिपल बेस्ड काउंसलिंग के लिए दी थी, लेकिन यहाँ पे एक चीज ऐड कर दी गई है, वो है समायोजन, ठीक है। अगर सरकार चाहे या प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रशासनिक विभाग चाहे तो इसको जो है पोर्टल सॉफ्टवेयर बनावा करके जो है इसको कर सकता है, लेकिन ये ऑप्शनल है, ठीक है। इसको नियम में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनकर तैयार नहीं हुआ है कि उस पर ऑनलाइन आवेदन लिए जा सके, वो भी प्रत्येक नियोजन इकाई के हिसाब से, ठीक है। तो ये अभी तैयार नहीं हुआ इसलिए इसको ऑप्शनल कर दिया गया, अगर सरकार चाहे तो कर सकती है, अगर तब तक बन गया, और अगर नहीं बन पाया तो वो जो है फिर नहीं कर पाएगी, फिर सारी प्रोसेस जो है आपकी 2021 में भी जो भर्ती होगी वो मैनुअली होगी जैसे होती रहती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो है नियम आपको समझ में आ गए कि नियुक्ति की जो है नियम क्या होते हैं, उनका जो है सारे नियम जो है पॉइंट वाइज यहाँ पे आपको जो है बता दिए गए हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।